हेलो एंड वेलकम टू नौकरिया स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरिया स्टडी में। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC के द्वारा 65वीं संयुक्त परीक्षा का एडवर्टीजमेंट आज ऑफिशियली रूप से 4/7/2019 की डेट में जारी कर दिया गया है। सुबह में न्यूज़पेपर के खबर को मैंने यूट्यूब चैनल पर रखने का काम किया था, जिसमें मैंने बताया था कि शाम तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और ठीक वैसा ही हुआ। आज शाम तक नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया कुछ देर पहले, और जैसा कि सारी सीटों की बातें की गई थी न्यूज़पेपर में, वैसा ही सेम नोटिफिकेशन है। तो चलते हैं, देखते हैं कि PT एग्ज़ाम्स के लिए जो वैकेंसी है, किस तरह से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की सीटें किस प्रकार से हैं, ऑनलाइन कब से कब तक होने वाला है, प्रक्रिया कैसे और कब से स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले BPSC के वेबसाइट पर आप जाएँ, जहाँ 4/7/2019 की डेट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर 65 कम्बाइंड प्रिलिमिनरी कम्पिटेटिव एग्जामिशंस न्यू लिखा होगा, तो उसको क्लिक करने पे ये डाउनलोड करना पड़ता है। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, चलते हैं देखते हैं वहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ दी गई है। तो यह है बिहार लोक सेवा आयोग जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 8/1 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए रिक्तियां आरक्षण कोटिवार प्राप्त हुई है, जिन्हें निम्नांकित सारणी एक में दर्शाया गया है। विभाग पद का नाम, वेतनमान, पे मैट्रिक्स, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला साथी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती और नाती नतनी और दिव्यांग, इतने श्रेणी में आरक्षण मिलने वाला है। और आरक्षण लेने के लिए सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही विभिन्न जातियों को आरक्षण मिलेगा, जो कि बिहार राज्य के आवासीय निवासी हैं। कुल पदों की संख्या 434 है, यहाँ पर कुल पद लिखा हुआ है 434 टोटल, और टोटल 15 पोस्ट हैं, 15 तरह के पदों की संख्या है 434। पहला बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष के पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की कुल पदों की संख्या 30 है, और न्यूनतम उम्र 22 वर्ष, और अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष, यानी कि अधिकतम उम्र इस प्रकार से है 37, 40 और 42। सेकेंड में है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, पदों की संख्या 62 है, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष, अधिकतम तो सभी के सेम है। थर्ड में है जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष, अधिकतम सभी के सेम है। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक बिहार निबंधन सेवा मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष, पोस्ट की संख्या 5 है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग, पोस्ट की संख्या 46 है, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष। नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी राजपत्रित श्रम निबंधन विभाग, पोस्ट की संख्या 9 है, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पोस्ट की संख्या 1 है, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग, पदों की संख्या 72 है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। सहायक निदेशक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पदों की संख्या 11, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष। दसवां है ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग में 110 पद है और 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, पदों की संख्या 11। आपूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पदों की संख्या 19, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग, पदों की संख्या 14, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजपत्रित श्रम संसाधन विभाग, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, पदों की संख्या 20 है। और अंतिम में प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 18 भर्ती है और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। कुल 434 पोस्ट हैं। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट
www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि अपियरिंग वाले के लिए नहीं है ये सूचना, नहीं है ये भर्ती अपियरिंग वालों के लिए नहीं है, आपको रिजल्ट हाथ में होना चाहिए, पास होना चाहिए उत्तीर्ण के लिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना यानी कि मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, मार्क्स इत्यादि देना पड़ेगा। आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, बाकी सारी चीज़ें पता है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र स्थानीय निवास, उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के लिए और सामान्य प्रशासन विभाग के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कोटी दो, कोट दो है, अनुसूचित जनजाति के लिए तीन है, अत्यंत पिछड़ा के लिए चार है, पिछड़ा वर्ग के लिए पाँच है, EWS के लिए सात है। 4% क्षेत्रीय आरक्षण होगा दिव्यांगों के लिए, 35% महिलाओं के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए, इस प्रकार से आरक्षण की सीमाएं हैं। आगे उम्र सीमा, दिनांक 1/8/2019 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष 42 वर्ष। सारणी एक में अंकित सेवा में क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एवं 13 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, मैंने इसको बता दिया है, कुछ में 22 वर्ष न्यूनतम उम्र है, कुछ में 21 है और कुछ में 20 है। इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। आगे कार्मिक प्रशासनिक विभाग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, इसे आप डाउनलोड करके पढ़ लें। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य हुआ। शारीरिक क्षमता यानी कि बिहार पुलिस सेवा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाते की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। पुरुष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवार नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो मापदंड है 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 3 इंच तक कम किया जाएगा। मेरिट लिस्ट उपयुक्त से राज्य सेवा संवर्ग वार एवं आरक्षण कोटिवार उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित किया जाएगा तथा उनकी अंतरविक्षा इंटरव्यू के पश्चात अंतिम परीक्षा फल सेवा संवर्ग वार एवं आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में निर्गत प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अंतरविक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अंतरविक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू का हिंदी होता है अंतरविक्षा। और शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये हैं, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये हैं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये हैं, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये हैं, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये हैं। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। बाकी नीचे आरक्षण के बारे में, दिव्यांगों के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्नमार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नमार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक भरभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जाँचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि GS का ये पेपर होगा सामान्य ज्ञान। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुवर्ती संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संपर्क संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 पत्रांक
6706 दिनांक 1/10/2000 का आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ आगे जाता है, कट ऑफ आगे लाना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मेंस मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यादेन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, यानी कि मेंस का अलग से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसे सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क भीत प्रक्रिया से जमा करना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषयों कोड निम्नवत हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं। उम्मीदवार को उपयुक्त विषयों में से किसी एक विषय को मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना जरूरी है। सबके कोड हैं, सबके नाम है, सब्जेक्ट नाम सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। कदाचार के मामले में ये आपको निष्कासित किया जाएगा, ये सारी बातें हैं। और 12 में है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि 10/7/2019 से 24/7/2019 तक, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 30/7/2019 से तक, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6/8/2019 तक, ये लास्ट डेट है और एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है। यानी परीक्षा शुल्क के बारे में सब महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पुनः लॉगिन करके डाउनलोड करना है, कैसे क्या फॉर्म भरना, पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर पुनः लॉगिन करना है। आवेदन आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन के हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी अंक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। सारी जानकारी नीचे देखिए, मेन जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल क्राइटेरिया और सब्जेक्ट, पीटी एग्जाम्स के बारे में सारी बातें इस वीडियो में मैंने बताने का काम किया। इस तरह से लगातार पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।